और अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर जनता मजदूर संघ ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के साथ ही एक दिवसीय धरना भी दिया। कुसुंडा एरिया 6 के अलकुसा स्थित यूसीसी इंफ्रा आउटसोर्सिंग कंपनी के मुख्य द्वार पर जनता मजदूर संघ ने विस्थापन नियोजन और अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया और कहा कि अगर उनकी मांगों को माना नहीं जाता है तो 30 दिसंबर के बाद से अनिश्चितकालीन चक्का जाम करेंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। जो यहाँ 3 कंपनी संचालित है और यहाँ के स्थानीय नागरिक बेरोजगार और विस्थापितों के साथ कंपनी प्रबंधन मनमानी रवैया अपना रही है, यहाँ के लोगों को रोजगार न देकर के बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और जो भी यहाँ कार्यरत मजदूर है कंपनी में उनको HPC का वेतन न देकर के उनको 8,000-7,000 रुपया मुहैया कराया जा रहा है। कंपनी की ओर से एक लाइनर हैं, उनका नाम है TK राव, जो मजदूरों पर शारीरिक, आर्थिक और मानसिक शोषण कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे प्रबंधन के खिलाफ जनता मजदूर संघ आवाज़ बुलंद करने का काम किया है। जो यहाँ बोकारो में पचौरा बस्ती के विस्थापितों ने अपनी मांग को लेकर सरकार पर हमला बोला। विस्थापितों ने कहा कि हमने अपनी जमीन सेल को नहीं दी है, हमने बिहार सरकार को जमीन दी थी लेकिन आज तक सरकार ने इस जमीन का मुआवजा नहीं दिया और न ही पुनर्वासित किया। ऐसे जमशेदपुर में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है, जहां पर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में बिजली विभाग कर्मचारी से 9 लाख की लूट कर अपराधी फरार हो गए। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग कर्मचारी विभाग रोज का कलेक्शन लेकर बैंक में जमा करवाने जा रहा था, तभी पीछे से बाइक सवार 2 अपराधियों ने बाइक को धक्का मार दिया। आसपास के लोग जब पहुंचे तो देखा कि बाइक की डिक्की से 9 लाख रुपए गायब हैं। धक्का लगने से बिजली कर्मचारी घायल भी हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने MGM अस्पताल में भर्ती कराया। जा रहे थे बैंक के लिए कैश लेकर, पीछे से मेरे को कोई आया मारा और गिर गए। उसके बाद पब्लिक आके मेरे को कोई उठा के साइड किया। कौन बैंक क्या चीज से मारा? पता नहीं क्या चीज से मारा। आप क्या चीज में थे? हम गिर गए इतना पता नहीं। गाड़ी में थे आप? क्या चीज? हम स्कूटी में थे। स्कूटी में कितना पैसा था? 9 लाख। हजारीबाग के पुलिस कप्तान मनोज रतन चौथे ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि पूरे साल भर में 4,393 कांड दर्ज किए गए हैं, जिसमें से कुल 1,801 वांछित लोगों की गिरफ्तारी हुई है। झारखंड भाकपा माओवादी कारू यादव की गिरफ्तारी को भी उन्होंने उपलब्धि बताया। साथ ही IED बम पकड़े गए नक्सलियों के, और इसके अलावा 1 साल के भीतर NDPS एक्ट में 43 लोगों की गिरफ्तारी और शराब कांड में 23 लोग, कोयला से जुड़े मामलों में 139 और अन्य मामलों में भी गिरफ्तारियों को हजारीबाग पुलिस की उपलब्धि बताया। तीस लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है, जिसमें TPC के 13 लोग, माओवादी के 1 व्यक्ति, JJMP के 8 व्यक्ति और
गैंगस्टर्स जो अलग अलग संगठित अपराध गिरोह से जुड़े हुए लोग हैं उनको 9 व्यक्तियों को हम लोगों ने जेल भेजा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो गिरफ्तारी थी जो मुंबई से हम लोगों ने की थी, कारू यादव जो 15 लाख का इनामी था उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, और उसके गिरफ्तारी के पश्चात हजारीबाग में लगभग नक्सलियों का समूल उच्चाटन मुझे लगता है हो गया है, उनका खात्मा हो गया है। अगर रिकवरी की बात करें नक्सलियों से तो हम लोगों ने पुलिस से लूटे हुए कई सारे इंसास राइफल, 303 राइफल्स, कई सारे पिस्टल्स और कई जिंदा गोली करीब 500 के आसपास नक्सलियों से रिकवर किए थे। अगर कुल गिरफ्तारियों की अगर हम बात करें पिछले एक वर्ष में हजारीबाग पुलिस द्वारा करीब 1801 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, तो आप डेली एवरेज अगर निकालते हैं तो प्रतिदिन 2.5 से 3 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार करके भेजा है। जहाँ तक नक्सल आईडी बरामद की बात है, विष्णुगढ़ से हम लोगों ने करीब 4 आईडीज 15-15 किलो के रिकवर किए थे, और आंगो थाना क्षेत्र से भी हम लोगों ने 2 आईडीज 20-20 किलो के रिकवर किए थे। एक माओवादी को सरेंडर करवाने में भी हम लोगों ने सफलता अर्जित की थी, अनिल भुया को हम लोगों ने सरेंडर कराया और उनके निशानदेही पर भी कई। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी में आयोजित आईआरबी के रंगरूटों के पासिंग आउट परेड में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए। सीएम ने इस दौरान आईआरबी के रंगरूटों के कार्यों को सराहा। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि आप अपने हुनर का बेहतरीन प्रदर्शन कर अपनी जिम्मेदारी बेहतर ढंग से निभाएंगे। पालिया होती रही।